मथुरा की थाना कोसीकला पुलिस को मुठभेड़ के बाद एक वांछित अपराधी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान शातिर सकरुल्ला पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि मुठभेड़ कोसीकला की खरौट नहर पटरी के पास हुई। इस दौरान पुलिस ने पलवल निवासी वांछित सकरुल्ला को गिरफ्तार किया। यह शातिर फ्रिज से भरे कंटेनर की लूट के मामले में नवंबर 2022 से फरार चल रहा था, जिसे कोसीकला पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त ने अपने छिपाए हुए तमंचे को निकाल करके पुलिस टीम पर फायर किया तथा भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें की गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। घायल अभियुक्त को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, दो खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।